हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद माय अनदर वीडियो। माय नेम इज आमिर, आई एम फ्रॉम A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर ई कॉमर्स, चैप्टर नंबर 5। और चलिए देखते हैं और समझते हैं कि हमें ई कॉमर्स में क्या पढ़ना है। तो बच्चों, ई कॉमर्स में सबसे पहले ई का मतलब समझ लो। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है ई का मतलब? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई मार्केटिंग है ना, ई टेलिंग, ये सारी चीजें आएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर होगा, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग होगी, वो सारी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स का मतलब तो पता है, वो सारी एक्टिविटी जिसमें बिजनेस में होती है, जहां पर सामान बेचा जाता है, खरीदा जाता है ना, बाइंग एंड सेलिंग होती है, उसके बीच में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जैसे होता है, वो सारी चीज क्या होती है? कॉमर्स होती है। तो ऑल द एक्टिविटीज विच आर डूइंग इन द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कॉमर्स। जितनी भी एक्टिविटीज बिजनेस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमर्स बोलते हैं। अब उसमें जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज हो रही है, बट वो किस फॉर्म में हो रही है? इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ई कॉमर्स, ठीक है। जब बिजनेस की एक्टिविटीज, बाइंग एंड सेलिंग इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ई कॉमर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में कैसे होगा? जितने भी पैसों का लेन देन होगा, कोई भी चीजें होगी, सामान खरीदा बेचा जाएगा, तो किसमें बेचा जाएगा? ऑनलाइन फॉर्म, यानी कि ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू से बेचा जाएगा, है ना। ट्रांजेक्शन किससे होंगे? इंटरनेट के थ्रू से होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ई कॉमर्स, ठीक है। तो देखो, ई कॉमर्स मीन्स कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। ई कॉमर्स मीन्स कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन ऑन द इंटरनेट। जितने भी कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन होंगे, है ना, जितनी भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज होगी, वो कैसे होगी? ओवर द ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट की जरिए होगी। आप इसे, आप लोग सामान खरीदते हो फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, सारी चीजें होती है ना, तो बाइंग एंड सेलिंग करते हो, तो ट्रांजेक्शन कैसे होता है? इंटरनेट के थ्रू होता है। कैश ऑन डिलीवरी भी होता है, बट बाइंग एंड सेलिंग कैसे हो रही है? इंटरनेट के जरिए हो रही है। आपको मार्केट में नहीं जाना पड़ रहा है, दुकान नहीं जाना पड़ रहा है, घर बैठे शॉपिंग हो जा रही है। तो ये सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स। आगे देखो, इट हैज सिमिलर बेनिफिट ओवर ट्रेडिशनल कॉमर्स। भाई, इसके बहुत से बेनिफिट भी है ट्रेडिशनल कॉमर्स के अकॉर्डिंग। ट्रेडिशनल कॉमर्स का मतलब क्या होता था? वो एक पुराना तरीका, जैसे हम लोग जाते थे तैयार होके मार्केट में, सामान वगैरह खरीद के आते थे, है ना, सब लोग जाते थे ना, अभी भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि अब जाना बंद कर दिए, बट वो क्या होता था? ट्रेडिशनल कॉमर्स। तो अब उसके कंपेयर में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में कुछ बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है, चलो जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, ज्यादा आप परेशान होने की बात नहीं है। आपका इसमें से आई थिंक 6 नंबर तक का आएगा, तो अच्छे से देख लो, समझ लो, और वो छोटा सा चैप्टर है, आज ही भी कंप्लीट भी करवा देता हूँ, ठीक है। नंबर 1 पर है ग्लोबल रीच। नंबर 1 पर क्या बेनिफिट है भाई? ग्लोबल रीच। ग्लोबल ही समझते हो, देखो आप अगर मान लो बाइंग एंड सेलिंग कर, मतलब आपकी कोई भी शॉप है, तो उस शॉप में कहाँ के लोग आ जाएंगे? मान लो आपकी शॉप लखनऊ में है, लखनऊ की कोई एक एरिया में है, लखनऊ की एक एरिया मान लो, मैं मान लेता हूँ आलमबाग में है, तो आलमबाग में क्या होगा? उसमें कितने लोग आएंगे? आलमबाग के लोग आएंगे या पूरे लखनऊ के लोग आ जाएंगे? थोड़ा मान लो कानपुर बहुत फेमस हो गए, कानपुर पास में, वहां से आ जाएंगे, है ना। लेकिन एक लिमिटेशन है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड से थोड़ी आ जाएंगे, मुंबई से लोग थोड़ी आ जाएंगे, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो कहने का मतलब क्या है, उसकी जो रीच है एक लिमिटेड होगी। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होगा, जब बाइंग एंड से, जब आप शॉप जो है सामान बेचोगे, बिजनेस अपना ऑनलाइन करोगे, तो वहां पर क्या है? ग्लोबल रीच होगी, अनलिमिटेड लोग वहां पर क्या हो सकते हैं? पहुंच सकते हैं, आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। सपोज मान लो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं अपनी कोचिंग में पढ़ाऊंगा तो मेरे पास कितने लोग आएंगे? मेरे आसपास के लोग आएंगे, लोग बहुत फेमस हो गए तो थोड़ा दूर दूर से आएंगे, बट अब लखनऊ, कानपुर, आगरा, हाँ, पंजाब से तो खुद ही पढ़ने जाएंगे। बट मैं अगर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो ऑल ओवर इंडिया, यहाँ तक कि ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग जो कि ICSE बोर्ड के हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो भी मेरी वीडियो की हेल्प से पढ़ सकते। तो रीच क्या हो जाती है ऑनलाइन में? ग्लोबल हो जाती है, यानी वर्ल्ड वाइड हो जाती है, ठीक। आगे देखो, क्वालिटी ऑफ सर्विस। नंबर 2 इसमें की सर्विस कैसी रहती है? क्वालिटी ऑफ सर्विस। जो सर्विसेज मिलती है वो एक क्वालिटी फुल रहती है। कहने का मतलब, जो भी कस्टमर को चाहिए तो सारी चीज दी जाती है, सामान खरीदने से पहले से लेकर सामान खरीदने के बाद तक आफ्टर सेल सर्विस भी दी जाती है। अगर एक क्लिक में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, 24/7 आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो इसमें जो सर्विसेज मिलती है क्वालिटी ऑफ सर्विस रहती है। आप दुकान में जाते हो, बहुत से शॉपकीपर होते अच्छे से बात नहीं करते, मान जो सेल्समैन तो अच्छे से बात नहीं करते, बट इसमें आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे सब, सर 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 सर, आप सर नहीं भी हो तब भी आपको सर सर करके बात करते हैं, समझ में आ रही बात। नंबर 3, कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब 24/7
गुणे सात, समझ में आ रही है। 24x7 का मतलब है कि 24 घंटे आप कभी भी आप चाहो, रात में 2 बजे भी आपको शॉपिंग करना आप कर सकते हो, है ना। और साल के सालों साल ये खुला रहता है, आप इसमें जाके इंटरनेट के थ्रू से मार्केट कर सकते हो, बहुत इजीली पड़ता है। अब ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या है भाई, आपको वहां दुकान जाना पड़ेगा, अब रात में अर्जेंट जरूरत हो तो आप जा नहीं सकते हो ना, तो ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप भाई बिजी हो तो घर बैठे आप कभी भी शॉपिंग कर लो, अब मार्केट तो बंद हो जाता है रात में, वहां तो जा नहीं पाओगे ट्रेडिशनल कॉमर्स की अकॉर्डिंग, बट ई कॉमर्स में क्या है आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है, कभी भी। नंबर फोर्थ, पेपरलेस सोसाइटी। पेपरलेस सोसाइटी का मतलब क्या है, पेपरलेस सोसाइटी का मतलब बच्चों यहाँ पर यह है कि इतने ज्यादा पेपर वर्क नहीं है। नॉर्मली आप करोगे तो बहुत ज्यादा चीजें करनी पड़ती है ऑफलाइन कामों में, है ना, लेकिन लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है, बट ऑनलाइन में इतना नहीं है, पेपरलेस सोसाइटी है, पर थोड़े बहुत पेपर होते हैं। आपको टैक्स वगैरह भी देना तो ऑनलाइन सारा काम कर सकते हो, आपको ऑफलाइन वाला इतना ताम झाम नहीं करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पर हमारा क्या है, स्पीड। स्पीड क्या होती है भाई, इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, है ना। जैसे ही आप एक इंफॉर्मेशन मांगते हो, एक क्लिक करोगे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, आपको रिव्यू चाहिए रिव्यू मिल जाएगा, कितने फीडबैक देने वाले आपके कस्टमर केयर अवेलेबल रहते हैं, आप कभी भी कंप्लेन करो तो आपको देखो मैसेज आता है ना कि आपको 24 घंटे के अंदर कॉल किया जाएगा, तो 24 घंटे बोलते हैं आ तो वो 1-2 घंटे में ही जाता है, बट आपको टाइम देता है, मतलब स्पीड बहुत अच्छी है। आप एक क्लिक करो, बहुत सी इन्फॉर्मेशन तो कंप्यूटराइज होती है, आपने क्लिक किया उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, रिव्यू चाहिए आपको रिव्यू मिल जाएगा, तो स्पीड बहुत बढ़िया होती है इसमें, ठीक है। नंबर सिक्स, लोअर इन्वेस्टमेंट। अगर आप भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो, इसमें इन्वेस्टमेंट इतना नहीं है भाई, आपको दुकान वगैरह नहीं खोलनी है, आपको डेकोरेशन वगैरह नहीं करना है, क्योंकि आपको ऑनलाइन सामान है, ऑर्डर करेंगे लोग आप पहुंचा देना सामान आपको, तो इन्वेस्टमेंट क्या है इसमें इतना ज्यादा नहीं है कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉमर्स, तो ये हमारे बेनिफिट होते हैं कॉमर्स के ओवर ट्रेडिशनल कॉमर्स। आई होप, आप उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका नोट्स मैं आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद दे दूंगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसके बाद जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि ई मार्केटिंग, ई टेलिंग, ये सारी चीजें क्या होती है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो, मैं 2 सेकंड में आता हूँ, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ई टेलिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स देखा, तो अब से कुछ फॉर्म में देखो, उसमें नंबर वन पर ई टेलिंग, ई एडवर्टाइजिंग, ई मार्केटिंग और ई सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ई का मतलब तो मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। इस चैप्टर में सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होगी, ठीक है। तो पेपर में अक्सर एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, लास्ट ईयर जब पेपर हुआ था एमसीक्यू का, तो उसमें बहुत पूछे क्वेश्चन पूछे गए थे कि भैया ई टेलिंग का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक टेलिंग, इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ये चीज याद रखना, अब कोई ऐसी बेवकूफी मत करके चले आना कि ये भी गलत करके आ जाओ, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत नहीं करना, फ्री का मार्क्स मिलेगा, एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। अब आगे देखो, इटेलिंग। इटेलिंग का मतलब क्या है, इटेलिंग मीन्स सेलिंग गुड्स इन रिटेल थ्रू इंटरनेट। रिटेल का मतलब समझते हो, रिटेल मतलब जो फुटकर में सामान बेच जाते हैं, एक मार्कर, ठीक है, एक जोड़े कपड़े, है ना, ये सारी चीजें कौन होते हैं, रिटेलर होते हैं। तो वो तो नॉर्मल हम लोग के मोहल्ले में दुकान होती है, यहाँ से हम लोग कपड़े वगैरह खरीदते हैं, वो सारी चीजें होती है, वो मार्केट वाली, जहाँ पर हम लोग कस्टमर जाके सामान खरीदता है उसको हम रिटेलर बोलते हैं। बट उसी से जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, किसमें, फुटकर में, एक एक में, स्मॉल क्वांटिटी में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेल। तो जब इंटरनेट के जरिए से रिटेल वाली बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई टेलिंग। तो ई टेलिंग मीन्स होता है सेलिंग गुड्स इन रिटेल थ्रू इंटरनेट, जब जो है स्मॉल क्वांटिटीज में सामान, प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, बाइंग एंड सेलिंग होती है थ्रू इंटरनेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई टेलिंग। तो इट रिप्रेजेंट्स B2C, इट रिप्रेजेंट B2C का मतलब क्या है, बिजनेस टू कस्टमर्स, ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है बिजनेस टू कस्टमर। एग्जाम्पल क्या है इसका, amazon.com, flipkart.com, ठीक है। इसमें क्या आएगा आपका एग्जाम्पल में, amazon.com और flipkart.com, मतलब amazon, flipkart, snapdeal, shopclues, ये सारी चीजें किसमें आएंगी आपकी, आपकी आएंगी e-tailing में, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे देखो नंबर टू। अच्छा हाँ, आप लोग को सिर्फ मीनिंग ही बोला है, आपका ई टेलिंग, ई मार्केटिंग, ई एडवर्टाइजिंग, ई सिक्योरिटी इतना लंबा चैप्टर दे रखा है, बट सबकी मीनिंग बोला है सिलेबस में आपके, सिर्फ और सिर्फ मीनिंग, इसलिए मैं मीनिंग एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है।
आप लोग सिलेबस से एक बार मैच कर लेना, ठीक है? तो टेंशन मत लेना, सिर्फ मीनिंग ही बोला है जो सिलेबस में, उतना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा पढ़ने की क्या जरूरत है। ऐसे भी खुश हो जाते हो जब सिलेबस नहीं रहता होगा तो, है ना? तो चलो अच्छे से मेहनत करो। आगे देखो, ई एडवर्टाइजिंग। ई एडवर्टाइजिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट का मतलब समझते हो ना, जो एडवर्टाइजमेंट हम लोग करते हैं, पैम्पलेट्स वगैरह बंटवा देते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से टीवी में एड देते हैं, सारी चीजें क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट होती है। जब वही एडवर्टाइजमेंट आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग मीन एडवर्टाइजिंग ऑन द इंटरनेट। जब इंटरनेट के थ्रू आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट करोगे, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग। इट इज आल्सो नोन एज ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। इसको हम लोग ई एडवर्टाइजिंग को ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के नाम से भी जानते हैं। ये सब एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है कि ई एडवर्टाइजिंग को हम लोग किस और नाम से जान सकते हैं, ये बात उसमें जाके एक्सप्लेन कर देना, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। आगे देखो, ई-एडवर्टाइजिंग स्पेसिफिक टर्म्स आर यूज्ड सच एज द फॉलोइंग। कुछ टर्म्स यूज करता है ई-एडवर्टाइजिंग में, उसको देख लो। एक है कुकी, वेब बैनर, पॉपअप, ठीक है? कुकी का मतलब समझते हो, आपके मोबाइल में कुकीज वगैरह होती है, तो आप जो चीज ब्राउजिंग करते हो, जो चीज सर्च करते हो, जैसे आप कोई जिस तरह की जो हीरो को पसंद करते हो, आप यूट्यूब पे जो चीज देखोगे वो आप देखना इंस्टाग्राम पे भी आने लगेगा, वो आपके फेसबुक पे दिखाने, जिस तरह की चीजें आप सर्च करोगे रिलेटेड, उसी तरह की आपको देखना एडवर्टीजमेंट वगैरह दिखाने लगेगा हर जगह। तो कहने का मतलब, ये एक डेटा होता है कुकीज में, जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन को क्या करता रहता है, अपने पास गेन करता रहता है, ठीक है? जिससे उसको मालूम चल जाता है कि आप किस तरह की चीजें पसंद करते हो, तो उसी तरह की एड्स आपके सामने आती है। तो ये क्या होता है, कुकी, ठीक है? नंबर टू, वेब बैनर। वेब बैनर समझते हो, जो आप कभी भी कोई वेबसाइट चला रहे हो, है ना, या फिर कोई भी आपने गूगल से कोई भी साइट वगैरह खोली है, मोबाइल यूज कर रहे हो, तो उसमें देखना अक्सर साइट में या ऊपर के साइड वेब बैनर, छोटे छोटे बैनर बन के आते हैं, तो अलग अलग कंपनी के वो ऐड करते हैं, इस तरह से रहते हैं और चकमक ऐसे जलमुझ होते रहते हैं ना, वो क्या होता है, वेब बैनर। अब लास्ट क्या है, पॉपअप। पॉपअप का मतलब क्या होता है, पॉपअप भी साइड में आते रहते जाते रहते। अगर आप लोग मोबाइल यूज करते होगे, चीजें पता होगा, आप जानते होगे, पॉपअप मतलब आ रहे, आना जाना, जलबू इस तरह से लगा रहता है, ठीक है? तो वो क्या होता है, पॉपअप होता है, इसमें आप अगर क्लिक करोगे तो आप उस साइट पे जाकर पहुंच जाते हो। तो ये सब सारी चीजें क्या है, एडवर्टीजमेंट का जरिया है। आप अपने किसी भी चीज का, प्रोडक्ट वगैरह का, अपने साइट का आप एड करा सकते हो ऑनलाइन के जरिए से, ठीक है? नंबर थर्ड, ई मार्केटिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, ठीक है? तो अब वही चीज, जब इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के फॉर्म में होगी उसको, कोई भी मार्केटिंग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। तो ई मार्केटिंग द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग ऑफ अ प्रोडक्ट सर्विस ऑन द इंटरनेट। जब हम लोग प्रोडक्ट या सर्विस, कोई भी अपने सर्विसेज की या प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं इंटरनेट के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। तो ई मार्केटिंग इज आल्सो नोन एज इंटरनेट मार्केटिंग। ई मार्केटिंग को हम लोग इंटरनेट मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। मार्केटिंग का मतलब तो पता ही है, मार्केटिंग का तो पूरा एक चैप्टर ही एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। तो अब किस तरह से मार्केटिंग करनी है, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, तो वो ऑफलाइन तरीका था। अब ऑनलाइन तरीके जो भी आप यूज करते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनेट के जरिए, उसको हम लोग बोलेंगे ई मार्केटिंग। नंबर फोर्थ, ई सिक्योरिटी। अब देखो, जितने भी हमारे डेटा वगैरह होते हैं वो हैक होने के चांसेस ज्यादा है। जब आप ऑनलाइन काम करते हो तो आपने सुना होगा हैकर्स बैठे हुए हैक करने के लिए, तो उनको हैक ना करने दिया जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ई सिक्योरिटी का यूज करते हैं। तो ई सिक्योरिटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी मीन्स टेकिंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट स्टोरेज एंड एक्सचेंज ऑफ डेटा ऑन द इंटरनेट। भाई उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जो भी हमारा स्टोरेज है, जो भी डेटा है, वो कोई हैक वगैरह नहीं करने पाए। देयर इज अ हायर रिस्क ऑफ फ्रॉड। यहाँ पर फ्रॉड का बहुत ज्यादा रिस्क होता है भाई। एग्जाम्पल हैकिंग एटसेट्रा। एग्जाम्पल क्या है, हैकिंग एटसेट्रा। तो ई सिक्योरिटी का यूज क्यों किया जाता है, ताकि जो भी हमारे डेटाज वगैरह है वो जो है उनके साथ फ्रॉड ना होने पाए, कोई इसको कॉपी ना करने पाए, ये सारी चीजें होती है। ये किसमें आती है, आपके ई सिक्योरिटीज में। इसकी सिर्फ मीनिंग देखना है, उसके अलावा आपके सिलेबस कुछ है नहीं। अब लास्ट टॉपिक आपको बचा है ईआरपी। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ आप, और चैप्टर को आज ही कंप्लीट करता हूँ। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकंड में आया और फिर आके कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का ईआरपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में अक्सर इसके आते हैं क्वेश्चन कि ईआरपी क्या होता है, उसके मॉड्यूल क्या होते हैं, उसको एक्सप्लेन करिए। तो इसको अच्छे से समझ लेना, और पूरा नोट्स मैं दे दूंगा, आप उसको देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना अच्छे से, ठीक है? तो देखो, ईआरपी का मतलब होता क्या है, ईआरपी का मतलब होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इंटरप्राइज मतलब समझो ना, जो बिजनेस होता है आपका, उसको बोलते हैं इंटरप्राइज, ठीक है? तो
जो भी इंटर नॉर्मली ईआरपी का मतलब होता है, ईआरपी क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है आपका सॉफ्टवेयर होता है, जैसे आप लोग स्नैपचैट वगैरह चलाते हो ना, इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो ना, सारी चीजें क्या है सॉफ्टवेयर है। उसी तरह ईआरपी भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाले यूज करते हैं। कौन यूज करता है, जो कि बिजनेस चलाते हैं, बड़े बड़े जिनके बिजनेस होते हैं वो ईआरपी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। अब ईआरपी सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ईआरपी सॉफ्टवेयर में सारे वो रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं, वो सारे रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होते हैं कि भाई कितनी सेल्स हुई है, कितना प्रोडक्ट आपने परचेज किया है, कितने स्टॉक्स आपके पास अवेलेबल है, कितने आपके एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, उनकी क्या सैलरी है, उनके क्या रिकॉर्ड्स है, कौन सा एम्प्लॉयज अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉयज नहीं कर रहा है, इस मंथ में कितने टारगेट पूरा किया है, कितने टारगेट पूरा नहीं किया है, कौन से कस्टमर से आपने कितने डील की थी, कब की थी, जितने भी डेटाज है वो सारे के सारे इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ईआरपी। बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, आप एक क्लिक करोगे आपको सारे डेटा मिल जाएंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कहाँ पैसा आया, कितने पैसे गए, क्या लेजर अकाउंट है, क्या बैलेंस शीट है, सारी की सारी डिटेल्स आपको इस सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। तो एक बिजनेस के लिए, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, एक क्लिक करोगे सारी डिटेल खुल के आ जाएगी। जैसे मान लो आप स्कूल में पढ़ते हो तो उसमें सारी चीजें बनी रही, क्लास 9 का डेटा, क्लास 10 का डेटा, क्लास 11 का डेटा, है ना, अब क्लास 12 का डेटा, अब क्लास 9 में 15 बच्चे हैं, तो 15 बच्चे में राहुल, श्याम, आमिर, सना, सुभान, ये सारे लोग हैं ना, तो इनका पूरी डिटेल होगी उसमें। आप देखोगे कि आमिर की फीस जमा है कि नहीं है, राहुल की फीस जमा है कि नहीं है, इनका सब क्या रिकॉर्ड है, ये फर्स्ट क्लास 9 में क्या पोजीशन थी इसकी, क्लास 10 में क्या है, मतलब सारे के सारे डेटा अवेलेबल होते हैं। तो इतना बताने के बाद आपको समझ में आ गया होगा ईआरपी का मतलब क्या होता है। ईआरपी एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या, अच्छा एक चीज और फायदा, ये मोबाइल में और कंप्यूटर में दोनों में चलता है, मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप दोनों में वर्क करता है, तो आप इजिली इसको एक्सेस कर सकते हो, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जितनी भी बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो आपको ईआरपी की हेल्प से मिल जाती है। समझ में आई बात, तो देख लो क्या लिखा है, ईआरपी मींस अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ईआरपी क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखना, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर और सिस्टम यूज टू मैनेज ऑल रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूज करा जाता है मैनेज ऑल रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी रिसोर्सेज है एक ऑर्गेनाइजेशन के उसको यूज करने में। द सिस्टम कैन मैनेज एंड ट्रैक एवरीथिंग, जो सिस्टम है वो कर सकता है, मैनेज कर सकता है और सारी चीजें ट्रैक कर सकता है। ईआरपी सिस्टम कैन हैव द फॉलोइंग मॉड्यूल्स, इसके कुछ फॉलोइंग मॉड्यूल्स हैं, देखो क्या क्या है। नंबर 1 पर है ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल, इन्वेंटरी मॉड्यूल, सेल्स मॉड्यूल, परचेज मॉड्यूल, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल, एंड लास्ट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसको हम शॉर्ट बोलते हैं सीआरएम मॉड्यूल, ठीक है। उसके अलावा 2 और थे बट मैक्सिमम 5 से ज्यादा आता नहीं, तो 6 बता दे रहा हूँ, इससे ज्यादा आना नहीं, 5 से ज्यादा नहीं आएगा, शॉर्ट में अगर तो 2 आएंगे, लॉन्ग में आएगा तो 5 आएंगे। खाली मीनिंग पूछे तो खाली मीनिंग लिख देना, तो 5 मैक्सिमम, इससे ऊपर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो नंबर 1 पर है ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल, इसका मतलब क्या होता है, देखो आपके ऑफिस में कोई भी बिजनेस करते हो तो उसमें आपके ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मतलब सोचते ना इंसान, आप क्या लेब मैनेजर होंगे, असिस्टेंट मैनेजर होंगे, एग्जीक्यूटिव होंगे, लेबर होंगे, बहुत से लोग काम करते होंगे, तो उनका जो मॉड्यूल होता है वो आपको इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल रहता है, कितने लोग आप क्या काम कर रहे हैं, कौन सी पोजीशन पे है, कौन इंप्रेस कितना अच्छा कर रहे हैं, क्या सैलरी है, सारे ट्रैक रिकॉर्ड्स उनके आपको इस सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं, एक क्लिक करोगे और आपको सब कुछ अवेलेबल रहेगा। नंबर 2 सेल्स मॉड्यूल, भाई कितनी सेल्स हुई है, किसका ऑर्डर पेंडिंग है, कब कितना हुआ था, कहां गई थी, सारी सेलिंग से डिटेल जो है आपको इसमें मिल जाएगी। नंबर 3 एक भूल गया क्या मैं, इन्वेंटरी मॉड्यूल, इन्वेंटरी मॉड्यूल का मतलब होता है भाई इन्वेंटरी यानी कि स्टॉक, इन्वेंटरी को हम लोग स्टॉक के नाम से भी जानते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो स्टॉक मॉड्यूल, आपके पास कितने स्टॉक अवेलेबल है ना, कितनी शॉर्टेज तो नहीं है, आप क्लिक करें और अच्छा कितने स्टॉक थे तो उसमें कितने सेल हो गए हैं, कितने नहीं हुए हैं, सारी डिटेल आपको इस सॉफ्टवेयर से मिल जाएगी। नंबर 4 परचेज मॉड्यूल, परचेज में कितने प्रोडक्ट आपको खरीदने हैं, कितने रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, जो आप प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग करते हो, या फिर कितने की जरूरत है, क्या स्टॉक में पहले से है, तो ये सारी, अच्छा कितना आपके पास बैलेंस है, क्या आप परचेस कर सकते हो, तो ये सारी चीजें भी आपको परचेस मॉड्यूल में पालन चल जाती है। नंबर 5 फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल का मतलब क्या है, भाई आप लोग फाइनेंस का काम करोगे बिजनेस में,
जर्नल करोगे, लेजर बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, पूरा हिसाब किताब करते हो, तो कितने पैसे का इनफ्लो हुआ, कितने पैसे का आउटफ्लो हुआ, कितना पैसा इनफ्लो हुआ यानी कि पैसा आया, कितना पैसा गया, कहाँ गया, किसके पास गया, सारी डिटेल्स आपको इस सॉफ्टवेयर में मिल जाएगी इजीली, ज्यादा तामझाप नहीं करना पड़ता है। एंड द लास्ट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म याद रखना, CRM का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मॉड्यूल। अब ये क्या बोलता है भाई, ये बोलता है कि कस्टमर्स, जैसे आपको सेल बूस्ट करनी है तो हमारे पास जो कस्टमर होते हैं पुराने, उनके सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं, तो आप जब भी कभी ऑफर वगैरह आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो, इससे आपकी सेल्स बूस्ट होती है कि उनके सारे रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल होते हैं कि कब कस्टमर को बेची गई थी चीजें, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, सारी चीजें अवेलेबल रहती है। आप कभी मॉल वगैरह में जाते हो तो आपके नंबर ले लिए जाते हैं, तो उसमें सारे डेटा क्या रहते हैं, रिकॉर्ड रहते हैं, सब सेफ रहते हैं, ये सारी चीजें होती है। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कस्टमर से रिलेशनशिप बनाने में भी आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो ये होता है आपका ERP सिस्टम, ERP यानी कि इंटर रिसोर्स प्लानिंग, और इसको अच्छे समझ लेना, बाकी नोट्स में दे दूंगा तो उसको डिटेल से एक बार पढ़ लेना, बाकी तब भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। और इसी के साथ आपका चैप्टर यानी कि ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंप्लीट होता है। और अब आपके दो चैप्टर रह गए हैं, एक चैप्टर है कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चैप्टर नंबर 6, और आपका चैप्टर है एडवर्टाइजिंग। दो चैप्टर इस कॉमर्स में आपके रह गए, बाकी सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट है, पूरा सिलेबस अवेलेबल है कॉमर्शियल स्टडीज ICSE क्लास 10 का। जितने भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं या आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जितने भी, उनको शेयर कर दो भाई, और वो भी अच्छे से पढ़ ले और उनकी भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। और बहुत ही जल्द इसी वीक में एडवर्टीजमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी मैं अपलोड कर दूंगा, और आपको ये सिलेबस ICSE कॉमर्शियल स्टडीज क्लास 10 का कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमी जितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनका भी सिलेबस मोस्टली 80% कंप्लीट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की, जितने भी बच्चे ICSE क्लास 10 के वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो आराम से इजिली पढ़ सकते हैं, नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो देर किस बात की, पढ़ाई स्टार्ट करो भाई, टाइम बहुत कम बच रहा है, प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो चुके हैं बहुत से स्कूलों में। चलो मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में जिसमें हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए। मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।